मिडिल स्कूल पुरानी मंडी के परिसर में वन विभाग के प्रचार मंडल शिमला से आई टीम ने नुक्कड़ नाटक पेश किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वनों की आग के कारण होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के दौरान डीएफओ मंडी राकेश कुमार और आरओ मंडी नरेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार लोग अपने स्वार्थ के लिए वनों को आग की भेंट चढ़ा देते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि इस आग से वन संपदा के साथ साथ कितने जीवों का जानी नुकसान होता है। वहीं लोगों को यह संदेश देने का प्रयास भी किया गया कि गर्मियों के दौरान उनकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण पूरा जंगल किस प्रकार से दहक उठता है। कुछ लोग जंगल में जलती हुई बीड़ी सिगरेट छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग जंगल में आग जलाकर उसे वैसे ही छोड़ जाते हैं। इन्हीं कारणों से जंगल में आग लगती है और वन संपदा जलकर राख हो जाती है। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों से ये आह्वान किया गया कि जब कभी वनों में आग लगे तो उसे बुझाने में वन विभाग का सहयोग करें। डीएफओ मंडी राकेश कुमार ने बताया कि शिमला से आई टीम ने नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और इसी कड़ी में एक बाइक रैली भी निकाली गई। उन्होंने लोगों से बाइक रैली में भाग लेने का आह्वान भी किया। आज वन प्रचार मंडल शिमला से हमारी टीम यहां आई थी, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वनों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया और लोगों से आह्वान किया कि वो वनों को आग से बचाएं। और जो वहां आग से बहुत नुकसान होता है उससे भी, मतलब जो भी नुकसान है उससे हमारे वनों की देखरेख हो सके। साथ ही कल भी हमारा एक रैली निकालने का ये है, प्रोग्राम है, 10:15 बजे हमारे दफ्तर से निकलेगी, उसमें बाइक के ऊपर रैली निकलेगी। कल जो हमारी रैली निकल रही है, अगर उसमें भी कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमारे ऑफिस में 10:15 बजे आ जाएगा।